और वहीं राजधानी लखनऊ में नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से 3 दिवसीय कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें आज दूसरे दिन देश के कोने कोने से आए विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने हार्ट के वॉल में आने वाली समस्या को लेकर मंथन किया। पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित और देश के जाने माने कार्डियोलॉजी प्रोफेसर अशोक सेठ ने बताया कि आज के समय में हार्ट अटैक से 50% केस भारत में हो रहे हैं और इसकी वजह मुख्य वजह जीवन शैली है। हमारा फिजिकल वर्क बंद हो गया है। अगर हर व्यक्ति हर रोज 45 मिनट तक वॉक करता है तो उसे दिक्कत नहीं आएगी और खाने पीने का ध्यान देने से 20% से अधिक हार्ट की बीमारी को होने से पहले ही रोका जा सकता है। आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस के पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के 1800 कार्डियोलॉजिस्ट पहुंचे, जहां पर हिंदुस्तान से 150 कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। क्या है वर्ल्ड के 50% हार्ट अटैक्स हिंदुस्तान में ही हो रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर बात हो गई है। और अगर हम सोचते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस सस्ती हो रही हैं और प्राइम मिनिस्टर योजना बहुत अच्छी योजना आई है जिसकी वजह से ट्रीटमेंट अवेलेबल भी हो रही है, अफोर्डेबल भी हो रही है, बट ये भी बात समझनी है कि एक बार हार्ट डिजीज़ या कोई भी बीमारी आ जाती है तो वो इरेडिकेट नहीं होती। वो इस साल ट्रीटमेंट भी होगी, उसकी अगले साल भी होगी, उसके हर साल कभी न कभी वो और भयानक रूप से आती जाएगी, हम उसको ट्रीट करते जाएंगे और ज़िंदगी भर उसका साथ पीछा नहीं छूटता है। सो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इन्फेक्शन को छोड़ के कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो कि एक्चुअली इरेडिकेट हो जाए बॉडी से। तो हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आफ्टरऑल बीमारी आए ही ना। रेशियो का तो हम लोग बताने नहीं सकेंगे एग्जैक्टली राइट नाउ, बिकॉज जस्ट टुडे हम लोग को मिला है ये स्टैटिस्टिकल डेटा, लेकिन इसका परसेंटेज डेफिनेटली क्वाइट हाई है जो पहले से, एटलीस्ट 10-20% ग्रोथ तो हुआ ही है। 40 उम्र का नीचे जो पेशेंट है वो एटलीस्ट 10-12% इंक्रीज नंबर हुआ है। वो हम लोग तो डेटा कलेक्शन करते हैं एवरी ईयर, तो एवरी ईयर ही हम लोग देख रहे हैं जो ये इंक्रीज कर रहा है। लेकिन एक चीज़ एक साथ साथ में हम लोग बोलने चाहते हैं, जो इसका इलाज भी फैसिलिटी भी बढ़ा है। ये क्या है, कुछ सालों के लिए हमारा कार्डियक साइंस में ट्रांस कैथेटर वाल्व रिप्लेसमेंट और वाल्व रिपेयर बोल के एक बढ़िया टेक्निक आए हैं। क्या होती है कि वाल्व का जो बीमारी होती है इसके लिए अभी तक जो मरीज को हाई रिस्क थे, तो ये मरीज को वाल्व सर्जरी संभव नहीं थी, तो उसके लिए उसका कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, मौत भी हो सकती है। लेकिन ये ट्रांस कैथेटर जो टेक्निक आए हैं ये बहुत सिंपल टेक्निक है, इधर में सीना ओपन करने का नहीं कुछ नहीं है, ब्लड का रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ जो एंजियोप्लास्टी हम लोग जिस टेक्निक से करते हैं ऐसे ही ये वाल्व रिप्लेसमेंट या वाल्व रिपेयर हो सकती है। यह इसमें सारी की सारी नई टेक्निक डिस्कस हो रही है, जो हमारी पुरानी टेक्निक है उसमें जितने रिफाइनमेंट हो रहे हैं, जितनी नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई डिवाइसेस आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई नई दवाएं आ रही हैं। और बहुत बार हम पहले कहते थे कि हार्ट का वॉल्व ख़राब हो गया तो बदलना ही पड़ेगा, तो अब हम बिना चीड़ फाड़ के भी उस वॉल्व को बदल सकते हैं। तो ये सारी जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उसको यहाँ पर करीब 1200 कार्डियोलॉजिस्ट बैठ डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर रहे हैं। हमें बड़े अच्छे अच्छे इंटरनेशनल फेम के लोग आए हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, उस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो इस मीटिंग में आप ये मान लीजिए कि इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के हर क्षेत्र की हर टेक्नोलॉजी यहाँ पर डिस्कस हो रही है। देखो जो टेक्निक्स आ रही है उसमें तीन इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। एक तो जिस तरीके से हम एंजियोप्लास्टी करते हैं उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज करें इमेजिंग के थ्रू, बहुत सी नई टेक्निक हैं जैसे OCT है, इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड है, FFR है, उससे हम अपनी एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट को बहुत प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं और उसको इतना अच्छा कर सकते हैं कि आगे चल के उसमें प्रॉब्लम ना आए। अब ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। दूसरा, एक आदमी को बहुत सारे ब्लॉक्स हैं तो किस ब्लॉक को एंजियोप्लास्टी से ट्रीट करना है, किसको दवा से ट्रीट करना है, ये भी इससे क्लियर हो जाता है। सो जरूरी नहीं है कि हम सारे ब्लॉक को ट्रीट करें, हम एक दो को ही कर सकते हैं, बाकी दवा पे रख सकते हैं।